आज का हमारा टॉपिक है प्रीमियर प्रो में ग्रीन स्क्रीन वीडियो की एडिटिंग के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो परफेक्ट तरीका जिससे हम ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल में मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स इंपोर्ट कर रखी है, जिनमें से कुछ बैकग्राउंड फाइलें हैं और कुछ ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो क्लिप्स है। अब हम एक बैकग्राउंड क्लिप को टाइमलाइन में इंपोर्ट करते हैं और इसके ऊपर हम एक ग्रीन स्क्रीन वाली क्लिप को डालते हैं। इनको सेलेक्ट करके हम इनको अनलिंक करते हैं और जो ये ऑडियो क्लिप्स है इनको रिमूव कर देते हैं। अब हम यहाँ पे ये जो इंपोर्ट पैनल है इसमें यहाँ पे डबल हेडेड एरो पे क्लिक करते हैं और इफेक्ट्स पैनल को ओपन करते हैं। अगर आप इफेक्ट्स पैनल यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं तो विंडो मेन्यू में जाके यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल को ऑन कीजिए। इफेक्ट्स पैनल में वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे कीइंग ऑप्शन में ये जो अल्ट्रा की है इसको ड्रैग करके जो ग्रीन स्क्रीन वाली क्लिप है उस पर ड्रॉप कीजिए। ऐसा करने पर यहाँ पे ये जो इफेक्ट्स कंट्रोल है इसमें आपको इससे संबंधित ऑप्शंस दिखाई देने लग जाएंगे। यहाँ पे ये कलर पिकर बना हुआ है, इसको सेलेक्ट करना है और ग्रीन कलर को इस प्रकार से क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ग्रीन बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और इस प्रकार से ये जो वीडियो क्लिप है वो दिखाई देने लग जाएगी। अगर ग्रीन बैकग्राउंड जो होता है वो बिल्कुल सेम और शार्प कलर में होता है तो कोई इश्यू नहीं होता है। ग्रीन बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप जूम करके देख सकते हैं कि ग्रीन बैकग्राउंड है वो किस प्रकार से परफेक्ट तरीके से रिमूव हुआ है। और कई बार जो बैकग्राउंड क्लिप होती है उसके कलर से भी इफेक्ट पड़ता है कि किस प्रकार से आपका जो ग्रीन बैकग्राउंड रिमूव हुआ है वो शो होगा आपकी क्लिप पे। तो ये जो क्लिप थी इसमें बिल्कुल शार्प ग्रीन बैकग्राउंड था तो ये आसानी से बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। लेकिन जिस प्रकार से इस क्लिप में शार्प ग्रीन बैकग्राउंड था वो कई बार नहीं होता है। ग्रीन स्क्रीन पे अलग अलग शेड्स हो सकती हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमें सबसे पहले डार्क शेड को पिक करके रिजल्ट देखना चाहिए और इसके बाद धीरे धीरे लाइटर शेड्स की तरफ ट्राई करना चाहिए। तो इसको हम समझते हैं एक दूसरे एग्जांपल से। ये बैकग्राउंड हम लेते हैं और इस पे लेते हैं हम ये वाले क्लिप। इसको स्केल टू फ्रेम साइज करते हैं और हम इस पे भी फिर से इफेक्ट्स पैनल में जाते हैं और इफेक्ट्स पैनल में सेम अल्ट्रा की वाला इफेक्ट इस पे अप्लाई करते हैं जिससे यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल में इससे संबंधित ऑप्शन दिखाई देंगे। और यहाँ पे इस बार हम कलर पिकर से ये जो ग्रीन की यहाँ पे डार्क शेड है इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं तो ये इस प्रकार से शो होता है। इफेक्ट्स कंट्रोल में आपको यहाँ पे ये जो आउटपुट ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे कंपोजिट ऑप्शन है, इस पे आप अल्फा चैनल को सिलेक्ट करके इस प्रकार से देख पाएंगे कि कौन सा हिस्सा जो है वो क्लियरली रिमूव हो रहा है और कौन सा हिस्सा पार्शियली रिमूव हो रहा है। तो इस क्लिप में हम देख सकते हैं कि ये जो वाइट पार्ट है ये पार्ट तो हमें वीडियो बैकग्राउंड पे शो होगा और जो ब्लैक पार्ट है वो पार्ट पूरी तरह रिमूव हो जाएगा। लेकिन इस क्लिप में जो ब्लैक पार्ट है वो पूरी तरह से ब्लैक नहीं शो हो रहा है, ये ग्रे शेड में दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इस ग्रे पार्ट को पूरी तरह ब्लैक करने के लिए यहाँ पे ये जो चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं मैट जनरेशन, मैट क्लीनअप, स्पिल सप्रेशन और कलर करेक्शन, यहाँ पे सेटिंग्स को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा जिससे हमें ये पूरी तरह से ब्लैक बैकग्राउंड कर सकें। मैट जनरेशन जो ऑप्शन होता है इसमें ये प्रीमियर प्रो को बताता है कि कौन सा एरिया जो हम सेलेक्ट करते हैं ग्रीन
वो वाला रिमूव करना है और कौन सा हिस्सा रखना है। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसपेरेंसी है, इस ऑप्शन से आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से आप ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम अल्फा चैनल की जगह कंपोजिट सेट करके देखें तो इस प्रकार से ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाई देगा। वापस अल्फा चैनल में आते हैं और यहाँ पे ये जो पार्ट हमें शो करना है वीडियो बैकग्राउंड पे, उसे हमें बिल्कुल वाइट रखना है और जो पार्ट हाइड करना है इसको हमें बिल्कुल ब्लैक करना है। इस प्रकार से यहाँ पे स्लाइड बार को हम थोड़ा लेफ्ट राइट करके इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कंपोजिट व्यू में देख सकते हैं कि रिजल्ट काफ़ी बेटर हो गया है। अब हम इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है। ये जो एजेज हैं इस वक्त, इन एजेज पे ग्रीन शेडो दिखाई दे रही है तो इसे भी हम रिमूव करते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे जो मैट क्लीनअप ऑप्शन है इस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे ये जो ऑप्शंस बने हुए हैं स्लाइड बार, इनको हमें थोड़ा सेट करना होगा। चौक वैल्यू से ये जो एजेज है इसको थोड़ा कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन ये जो एजेज है इससे शार्प हो जाती है तो इन शार्प एजेज को सॉफ्ट यहाँ से कर सकते हैं आप, और कंट्रास्ट आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप इफेक्ट इस प्रकार से देख पा रहे हैं। स्पिल सप्रेशन, ये जो ग्रीन शेडो की कभी कभी रिफ्लेक्शन दिखाई देता है ऑब्जेक्ट पे, उसको रिमूव करने में काम आता है। इस क्लिप में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी ग्रीन शेडो दिखाई दे रही है तो यहाँ पे आप डीसेचुरेट कर सकते हैं। अब आप प्ले करके देख सकते हैं, ग्रीन बैकग्राउंड है वो अब लगभग परफेक्ट तरीके से रिमूव हो गया है। तो यहाँ पे ये जो मैट जनरेशन, मैट क्लीनअप और स्पिल सप्रेशन, ये तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन ऑप्शन में जो स्लाइड बार है उनको आप थोड़ा मूव करके जो अल्फा चैनल है उसमें आपको इस प्रकार से बनाना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह से वाइट रहे और जो ग्रीन बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से ब्लैक रहे। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। इफेक्ट्स पैनल में जाते हैं, अल्ट्रा की अप्लाई करते हैं और यहाँ पे कलर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये दिखाई देने लग जाएगा। स्केल टू फ्रेम साइज करते हैं, यहाँ पे आप अल्फा चैनल में देख सकते हैं कि जो ग्रीन बैकग्राउंड है वो पूरी तरह ब्लैक जो होना चाहिए, यहाँ पे ये थोड़ा पार्ट पार्शियली ग्रे दिखाई दे रहा है क्योंकि ये ग्रे ही है तो ये इसी प्रकार से दिखाई देगा। आप चाहे तो यहाँ पे कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। मैट जनरेशन, मैट क्लीनअप और स्पिल सप्रेशन के बाद में चौथा ऑप्शन जो है वो कलर करेक्शन का है। आमतौर पे यहाँ पे कलर करेक्शन नहीं करते हैं। कलर करेक्शन के लिए आप ल्यूमिनेटरी कलर जो इफेक्ट होता है वो अलग से एडजस्टमेंट लेयर बना के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो यहाँ पे भी इसे सेट कर सकते हैं। जैसे हम सेचुरेशन को इस प्रकार से ह्यू से कलर चेंज कर सकते हैं और ल्यूमिनेंस से इस प्रकार से। तो इस प्रकार से प्रीमियर प्रो में आप ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।